अगर आपके फेस पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं दिखता है, चेहरा हमेशा डल दिखता है, आप कितना भी मेकअप कर लो लेकिन चेहरे पे जरा सा भी चमक नहीं आता है, धूप में जाकर अगर फेस पे बहुत ज़्यादा टर्निंग हो गई है, तो आज की रेमेडी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। आज मैं एक ऐसा DIY शेयर करने वाली हूँ जिसे अगर आप प्रॉपर तरीके से अप्लाई करेंगे तो स्किन की बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि अभी सर्दियों का जो मौसम है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन में खिंचाव आने लगता है। उसके बाद जब हम मेकअप करते हैं तो मेकअप करने के बाद भी हमारे फेस पे ग्लो नहीं आता है। तो आज की ये जो DIY है बहुत ही इफेक्टिव है, एक बार मेरे बोलने पे इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। और जैसे कि अभी करवा चौथ आने वाला है, करवा चौथ पे भी अगर इस DIY को आप अपने चेहरे पे अप्लाई करते हैं तो 10 से 15 मिनट में बहुत ही गजब का निखार आएगा। ऐसा लगेगा पार्लर जाके आपने कोई महंगा सा फेशियल करवा के लिया है, इस तरह का आपके चेहरे पे ग्लो आने वाला है। कभी कभी क्या होता है कि टाइम की कमी की वजह से भी हम पार्लर नहीं जा पाते, अपनी स्किन की केयर नहीं कर पाते हैं, तो घर पे रह के आप इस तरह का DIY अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। रेमेडी बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए 1 चम्मच कॉफ़ी, कोई भी कॉफ़ी जो आपके घर में अवेलेबल हो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। और उसके बाद 1/2 चम्मच हमें यहाँ पे ऐड करना है हनी। हनी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। 3 से 4 ड्रॉप हमें यहाँ पे लेना है ग्लिसरीन। अगर आपके पास ग्लिसरीन नहीं है तो इसकी जगह पे आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, या फिर ओलिव ऑयल ले सकते हैं, बादाम ऑयल ले सकते हैं। तीनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप यहाँ पे ले सकते हैं। 1/2 चम्मच हमें ऐड करना है एलोवेरा जेल। ये पतंजलि का एलोवेरा जेल है, आपके पास जो भी है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। प्लांट है तो प्लांट वाला फ्रेश एलोवेरा जेल भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करके एक फाइन सा पेस्ट बनाना है। 2 से 3 मिनट तक हमें इसे रखना है रेस्ट करने के लिए, क्योंकि कॉफ़ी पाउडर जो होता है हल्का सा दरदरा होता है। इससे हमें अपने चेहरे पे करना है स्क्रब। स्क्रब जब हम अपने चेहरे पे करते हैं उसके बाद जब हम फेस पैक अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि स्क्रब करने से हमारे फेस पे जो गंदगी होती है, डेड सेल्स होती है, ब्लैक हेड्स होती है, वाइट हेड्स होती है, वो सब कुछ रिमूव हो जाता है स्क्रब करने से, मसाज करने से। तो स्क्रब मैंने कल ही किया है, ये रेमेडी मैंने पहले अप्लाई किया है, इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे आप लोगों के साथ में शेयर करूं। इसे आप करवा चौथ पे अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा ग्लो आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे हाथ पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना है, स्मूथली मसाज करना है कम से कम 3 से 4 मिनट तक। मसाज कंप्लीट हो जाएगा, हमें फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना है। उसके बाद इसी रेमेडी में हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, उसके बाद हम अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे फेस पैक। स्क्रब जो होता है हम डेली नहीं कर सकते अपने चेहरे पे, क्योंकि स्क्रब हल्का सा दरदरा होता है, हमारे स्किन को क्लीन बनाता है, डेड सेल्स को रिमूव करता है, ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, उसे रिमूव करता है। तो हफ्ते में या 10 दिन में एक बार अगर स्क्रब करेंगे तभी भी आपकी स्किन क्लीन बनी रहेगी, स्मूथ बनी रहेगी। नाइट में जब भी आप सोने जाते हैं तो चेहरे को अच्छे से क्लीन करके सोइए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। धूप में जब जाते हैं तो कम से कम 30 मिनट पहले अपने चेहरे पर सनस्क्रीन जरूर अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे हमारा मसाज कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो रेमेडी बची है उसी रेमेडी में हमें ऐड करना है 1 चम्मच चावल का आटा। उसके बाद 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही से हम अपनी स्किन को स्मूथ बना सकते हैं, दाग धब्बों को रिमूव कर सकते हैं। दही में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे स्किन से दाग धब्बों को तेजी से रिमूव करती है। अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशन के निशान है, एक्ने पिंपल्स के निशान है, एक्ने पिंपल्स के जो निशान होते हैं, किसी किसी को एक्ने पिंपल्स आते हैं और उसके बाद जब एक्ने पिंपल्स आने बंद भी हो जाते हैं उसके बाद जो निशान छोड़ जाते हैं, निशान बहुत जिद्दी होते हैं, तो उन्हें आप इस रेमेडी से रिमूव कर सकते हैं। आपके चेहरे पे चाहे सालों पुरानी झाइया हो, डार्क स्पॉट हो, इस रेमेडी से धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी। इस तरह से अच्छे से मिक्स करके एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है। मसाज करने के बाद फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। उसके बाद इस रेमेडी को हमें पूरे फेस पे अप्लाई करना है। एक थिक सा लेयर लगा लेना है, ब्रश है तो ब्रश की मदद से, नहीं तो हाथों की मदद से भी आप लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने चावल का आटा लिया है, हाथों की मदद से लगाएंगे तो अच्छे से लग जाएगा। उसके बाद जब 10 से 15 मिनट हो जाएगा, फेस पैक ड्राई हो जाएगा, तो हमें नॉर्मल वाटर से इसे रिमूव कर देना है। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इसके इस्तेमाल से हम अपने कलर टोन को इम्प्रूव कर सकते हैं, दाग धब्बों को रिमूव कर सकते हैं। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, इससे हम दाग धब्बों को तेजी से रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपके फेस पे समय से पहले झुर्री या लाइंस बनने लगी है, एजिंग की निशानियां दिखने लगी है, तो उसे हम रिमूव कर सकते हैं। धीरे धीरे हमारी स्किन टाइट होने लगेगी,
ब्राइट होने लगेगी। यहाँ पे हमने एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया है। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को हील करता है, ड्राइनेस से बचाता है, और जब हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है तो समय से पहले हमारे फेस पे झुर्रियाँ फाइन लाइंस नहीं आती है। किसी किसी की आप स्किन देखते होंगे जो उनकी करंट एज होती है, करंट एज से उनकी एज 10 से 15 साल ज़्यादा लगती है, क्योंकि वो अपनी स्किन की केयर नहीं करते हैं, इसलिए समय से पहले ही चेहरे पे एजिंग की निशानियां दिखने लगती हैं। तो आई होप ये रेमेडी आप लोगों को पसंद आई होगी। इस रेमेडी को ऑल टाइप स्किन वाले लोग यूज कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए, आपको कहीं शादी पार्टी में जाना है, कोई फेस्टिवल है, तभी भी आप इस एमडी को ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि अभी करवा चौथ आने वाला है, करवा चौथ पे इसे आप अपने चेहरे पे अप्लाई कर लीजिए। बहुत ही अच्छा निखार आने वाला है आपके फेस पे 10 से 15 मिनट में, बिना समय बिना पैसे खर्च किए हुए। तो आई होप ये रेमेडी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर करने के लिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, जिससे कि जब भी मैं कोई नई रेमेडी शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पे फेस पैक मैंने रिमूव किया है। रिमूव करने के बाद कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने दही का इस्तेमाल किया है। दही की वजह से स्किन बिल्कुल स्मूथ लग रही थी, ग्लोइंग लग रही थी। मिलते हैं नेक्स्ट।